खबर से होगा हमारा सीधा सरोकार। हम नहीं किसी के पैरोकार। हर खबर की तह तक जाएंगे हम, हर खबर का करेंगे पूर्ण विश्लेषण। देखिए चार का चक्रव्यूह मेरे साथ शाम 4 बजे। ऑल इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और हर बार की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से लेकर 4 का चक्रव्यूह, जहां बात होती है 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर यूपी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई होगी, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर देश में बढ़ती महंगाई को लेकर है, जहां महंगाई का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, जहां मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने 3 दिन की हिरासत में भेज दिया है। वहीं चौथी बड़ी खबर देश में किस तरह से बकरीद की तैयारी चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। इस दौरान कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कोशिश है कि चुनावों से पहले सरकार की छवि को बदला जा सके। इसके अलावा कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी की जा सकती है। कैबिनेट विस्तार के दौरान क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे में इस बार एक नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। साथ ही जिन 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाना है, उस मसले पर भी स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंथन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से योगी मंत्रिमंडल के बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि ये तय नहीं हो पाया था। लेकिन अभी हाल ही में लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी शामिल हुए थे, जबकि जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित भी किया था। और इस मीटिंग के अलावा हाल ही में लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच बैठक हुई। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर को लेकर मंथन किया गया। ऐसे में इस महामंथन के बाद चुनाव से पहले एक बार फिर से मंत्रिमंडल में बदलाव की बात सामने आई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल मार्च या अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी लगातार कई बैठकें और अन्य गतिविधियां करते हुए दिख रहे हैं। यूपी में 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी चुनाव को देखते हुए किसी भी जाति वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि मोदी कैबिनेट में भी यूपी के कई मंत्रियों को जगह दी गई है। अब योगी कैबिनेट में भी जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं यूपी कैबिनेट में फिलहाल 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 22 राज्य मंत्री हैं। वहीं यूपी सरकार में कुल 54 मंत्री हैं, 6 मंत्री पद भी खाली हैं। अगर मौजूदा मंत्रियों में किसी को ना भी हटाया जाए तो भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। खबर यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 4 मौजूदा मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और इस दौरान सरकार का ब्राह्मण और ओबीसी के साथ ही दूसरी जातियों को साधने की भी कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, जो कि पिछले 3-4 महीने से अटकलें लगाई जा रही थी। अब मुझे लगता है कि इसे पूर्ण विराम लगने वाला है और जिस सिस्टम पर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों का बराबर भागीदारी रहेगी। और मुझे लगता है कि जो संभावनाएं हैं चुनाव को देखते हुए, उसी हिसाब से इसका प्लान तैयार किया गया है। तो बाकी नाम तो अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है,
ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही सही तरीके से पता चलेगा। और अटकलें तो लगती रहती हैं राजनीति में, तब तक कोई चीज़ ना मिले जब तक किसी को कुछ भी कहना संभावित नहीं लगता मुझे। भारत में महंगाई लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि सब्जी, फल, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी बढ़ती महंगाई का दबाव साफ दिख रहा है। लोग सरकार से पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की अपील भी लगातार कर रहे हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई के बीच कैसे गुजारा कर रहे हैं आम लोग, ऐसे में सड़कों से लेकर संसद तक बढ़ती महंगाई का मुद्दा गूंज रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने भी आवाज अब अपनी तेज कर दी है। बिहार के कई इलाकों से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, लोग भूख से मर रहे हैं और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसलिए नेता भी चुप हैं। वहीं यूपी में भी तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज तेज कर रही हैं। ऐसे में यूपी और गुजरात के लोगों की बढ़ती महंगाई पर क्या राय है, आप भी सुनिए। हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और फिलहाल अभी मैं जो रतन टोल इलाका है वहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे आया हूँ। काफी जो हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से सभी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और काफी जो जनता है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुनील, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं? आने जाने महंगा पड़ता है, गरीब पब्लिक भी आती जाती नहीं है, पेट्रोल का दाम बढ़ने से पब्लिक को बहुत तकलीफ है। आपका धंधा क्या है? मैं नाश्ते का धंधा है। क्या क्या कस्टमर आते हैं तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो पब्लिक नहीं आ रही बाजार में, और हमको भी आने जाने तकलीफ पड़ती है बाहर से आते जाते। दाम में क्या प्रॉब्लम है, आप किस प्रकार से दाम बढ़ाया है कम रखा है? देखो, पहली बात तो मैं बताऊँ आपको, मैं पेट्रोल का दाम बढ़ा वो बात तो सही है, पेट्रोल पंप वाले भी चोरी करते हैं, पेट्रोल भरने में भी चोरी करते हैं वो लोग, क्योंकि पेट्रोल पंप पे आप जाओगे ना तो वो लोग भरते जितना दाम देते हैं ना क्या उससे कभी भरते पेट्रोल। मैंने किसी जगह मैंने मार्क किया बात पेट्रोल के अंदर। तो पेट्रोल की बात छोड़ दो, अभी दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, आपको धंधे में क्या दिक्कतों का सामना करना पब्लिक नहीं आ रही है बात से, आप किसी बात से पब्लिक यहाँ नहीं आती है। बताइए। अतुल शाह बोलिए। सरकार एक तो पेट्रोल फिर गैस का सबका भाव इतना है कि पूरी सरकार को। उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन लगातार बढ़ रही महंगाई न केवल विपक्ष के लिए मुद्दा बनी हुई है बल्कि आम जनता इससे त्राहिमाम है। जाहिर तौर पर देखा जाए तो आम जनता इससे इतनी परेशान हो चुकी है कि अब सड़कों पर लोग दिखाई जरूर देते हैं लेकिन व्यापार ठंडे हो चुके हैं, व्यापारियों के पास जो ग्राहक हैं वो नहीं पहुंचते हैं। मेरे साथ व्यापारी भी जुड़ेंगे, ग्राहक भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से इस महंगाई के दौर में काम चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अकरम गाजी है और मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरे मंडल का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में कुछ अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाजारों में भीड़ बहुत है लेकिन ग्राहक नहीं है। व्यापारी जो है कोविड की वजह से पहले बहुत टूटा हुआ है और इस समय महंगाई को देखते हुए व्यापार बिल्कुल नहीं है, व्यापार बिल्कुल प्रभावित हो गए हैं। और व्यापारी इस समय जो है, पहले माल उधार मिलता था, अब माल उधार मिलना ही बंद हो गया है, इसलिए आर्थिक स्थिति व्यापारी की बहुत ज़्यादा नाजुक है। उससे ज़्यादा अपने 5-5 स्टाफ के लोग रखे बैठे, अब उन्होंने 2-2 कर दिए हैं, ये आर्थिक स्थिति उन्होंने की वजह है और व्यापार बिल्कुल नहीं है। आजकल वैरायटी महंगाई इतनी हो चुकी है कि वैरायटी भी हम पूरी कर नहीं पा रहे हैं। इस महंगाई से ना केवल व्यापारी परेशान है बल्कि रोजगार भी जा रहे हैं। जिस व्यापारी के पास 4 लोग हुआ करते थे काम करने वाले, अब वो घटकर 2 हो गए हैं, इस तरीके का इनका कहना है। मेरे साथ एक मौजूद है, आप क्या है आपका नाम? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल, ये बताइए, आप यहाँ पर व्यापार करते हैं, ये काफी व्यवस्थित मार्केट मानी जाती है, ये बताइए महंगाई की मार से कितना फर्क पड़ रहा है, क्या दिक्कत है, महंगाई क्या है? नहीं है साहब, महंगाई तो इतनी है कि पेट्रोल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है, डीजल के भाव बढ़ गए हैं। और ये देखिए, जो रिफाइंड सरसों का तेल था जो 90 रुपए का पाउच आता था 900 ग्राम का, वो 160 रुपए का पाउच है। खाने पीने की व्यवस्था जैसे रेट बढ़ रहे हैं कि सारा बजट खाने का बिगड़ चुका है
और जो व्यापारी है सब लोग परेशान है, व्यापारी काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्यापार जैसे हमारा काम होता है, दुकानदार आते हैं जैसे सुबह से शाम को चले जाते हैं। हम लोग मांग करते हैं इस महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए, वरना हम लोग व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। जी रफ्तार चौहान नाम है मेरा। रफ्तार, ये बताइए कितनी महंगाई हुई है और क्या इस महंगाई से आप लोगों पर फर्क पड़ रहा है? जी गरीब आदमी पर, सभी मजदूर आदमी फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से, और जो है मानने की बात है जो अमीर आदमी है वो तो अपने जो जमा है सब कुछ है उनके पास में, कुछ वो खा खू रहे हैं उन्हीं के पास में, गरीब लोग नौकरी करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं पत्थर काम करता हूँ जी, पत्थर का काम करता हूँ मजदूर। पत्थर का बहुत लोअर क्लास वाला है, और इसमें आपको दिक्कतें कितनी हो रही, घर कैसे चला पा रहे हैं? जो 300 से 400 रुपए झाड़ी का मजदूर है वो कैसे घर चला पा रहे हैं? जी मैं घर नहीं चला रहा हूँ, मेरे ऊपर बड़े भाई है उन्हीं की वजह से घर चल रहा है, वरना मैं इतना ही कमा पाता जो घर चला पाऊँ, इसी की वजह है बस, वरना मैं तो ये एक बड़ी बात है। जो व्यापारी वर्ग है वो तो कहीं ना कहीं चला पा रहा है, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसको 300 से 400 रुपए मिलते हैं, उसको इस समय बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी समस्याएं हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। सभी तरह के जो लोग हैं अलग अलग राय है, हालांकि अभी तक महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई से यहां पर लोग ज्यादा तरस दिखाई दे रहे हैं। मेरठ से मैं मनोहर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पीछे कितनी अंधेरी दुनिया है इसका ताजा उदाहरण शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हैं, जिन्हें अश्लील फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है और लोग ये जानकर शॉक्ड हैं कि बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा के पति पर्दे के पीछे ऐसे काले धंधे में संलिप्त है। वहीं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में एक बड़े ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ था। तब हर कोई बॉलीवुड के इस चकाचौंध के पीछे अंधेरी दुनिया का सच जानकर हैरान रह गया था, लेकिन एक बार फिर से बॉलीवुड से एक ऐसी खबर आई है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अश्लील फिल्म और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी भी बनाया है, और इस साल फरवरी में ये खुलासा हुआ था कि राज कुंद्रा ऐसे अश्लील मामले में संलिप्त है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में बताया कि फरवरी 2021 में पॉर्न फिल्म बनाने के और उन्हें किसी ऐप द्वारा पब्लिश करने को लेकर केस रजिस्टर कराया गया था। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक राज कुंद्रा और कुछ और लोगों के खिलाफ एक महिला ने मुंबई पुलिस में केस दर्ज कराया था। इन पर आरोप है कि ये लोग एक्टर्स को वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए अप्रोच करते हैं और उनके बाद जबरदस्ती उनसे पॉर्न फिल्म बनवाते हैं। राज कुंद्रा इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड थे। इस मामले में राज कुंद्रा से पहले 5 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि केंद्रियन नाम की एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन यूके में किया गया था, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फिल्में पब्लिश करती थी। ये कंपनी राज कुंद्रा ने ही बनवाई थी और विदेश में रजिस्ट्रेशन भी कराया था ताकि साइबर लॉ से बचा जा सके। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा के परिवार के लोग ही इस कंपनी के डायरेक्टर थे। ये कंपनी सर्विसेज पर मुंबई या भारत के अन्य जगहों पर शूट किए गए अश्लील वीडियो अपलोड करती थी। वी ट्रांसफर के जरिए यहाँ से वीडियो जाता था। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर अब कई और खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिनमें पॉर्न फिल्म से जुड़े पूरे बिजनेस पर चर्चा की जाती थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम एच अकाउंट है, जिसमें राज कुंद्रा समेत कुल 5 लोग शामिल थे। ये सभी लोग भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के इस बिजनेस में शामिल थे। जो व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है उसमें राज कुंद्रा एक बिजनेस की मार्केटिंग, सेल्स और मॉडल्स की पेमेंट से जुड़े मसलों पर बात कर रहे हैं। साथ ही किस तरह रेवेन्यू पर फोकस किया जाए, मॉडल को कैसे पेमेंट दी गई है और किस तरह बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही थी।
क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने इस बिजनेस में 10 करोड़ रुपए निवेश किए थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये फरवरी में ही साफ हो गया था कि कुंद्रा केंद्रित कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन सीधा लिंक नहीं होने से क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई थी। दरअसल उमेश कामत नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ी थी। उसने ही सारा कच्चा चिट्ठा क्राइम ब्रांच के सामने खोला था। सबूत के तौर पर क्राइम ब्रांच को पता चला है कि 8 से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने कल राजकुंद्रा को दफ्तर बुलाया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वही ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी के खिलाफ IT एक्ट और IPCC की धाराओं में मामला भी दर्ज किया जाता है, और अगर अदालत आरोपी को दोषी करार देती है तो उसे कई साल की जेल में हो सकती है। पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामलों को लेकर हमारा कानून भी काफी सख्त है। इस तरह के मामलों में IT एक्ट के साथ साथ भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की कई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ लिखी जाती हैं। इंटरनेट का चलन और आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने के बाद IT एक्ट में संशोधन भी किया गया था, ताकि आज के समय में इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कड़ी से कड़ी सजा हो सके। बता दें, शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इसके पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। इससे पहले मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने भी उन पर और उनके सहयोगी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम ने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि राज कुंद्रा ने इस पूरे मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिस कंपनी पर स्ट्रीट वीडियो बनाने का आरोप लगा है वो उन्होंने छोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं देश में बकरीद के त्योहार को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। बकरीद को लेकर घरों में लोगों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी त्योहार मनाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और लोगों से अपील की है कि लोग गाइडलाइंस का पालन कर त्योहार मनाएं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने COVID-19 प्रबंधन का सख्ती से पालन कराने के लिए राज्यों को एडवाइजरी पहले ही जारी करी थी। देश में 21 जुलाई को बकरीद मनाई जानी है और ऐसे में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। अब बकरीद को लेकर विशेष रूप से गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बकरीद के मौके पर एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो इसे भी सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। साथ ही सभी जगहों पर कोरोना नियमों का पालन कराने का निर्देश भी दिया है। वहीं कोरोना नियमों का उल्लंघन होने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ हुई बैठक में CM ने बकरीद को देखते हुए सभी उपाय करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही तय और निजी स्थानों पर ही पशुओं की कुर्बानी भी दी जाएगी। इसके अलावा पशु और स्थानों की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं बकरीद पर बाजारों में क्या तैयारियां हैं और लोगों में किस तरह का उत्साह है देखने के लिए मिल रहा है, अलग अलग राज्यों से देखिए हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। इस त्योहार को लेकर के तैयारी है जी। तो जैसा कि सुन रहे हैं कि अभी तीसरी जी लहर और आनी है जी, उसके मद्देनजर रखते हुए तीसरी लहर को फासले से ही रहना है। ये नहीं कि हमें गले मिलना है या हाथ मिलाना है, दूर से ही सलाम दुआ करनी है और दूर से ही मुबारकबाद देनी है। आपने क्या तैयारियां की अब तक त्योहार को लेकर? हमने ये तैयारी की है कि अगर हमें कुर्बानी करनी है तो हमें गैर मुस्लिम का भी ख्याल रखना है, साफ सुथ सफाई का भी ख्याल रखना है और पर्दे में कुर्बानी करनी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाली है और ये और लहरों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसा बतलाया जा रहा है और ऐसा सुना भी है। तो इसलिए बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी वो खतरनाक ही होती है, ये तो सीधी सीधी बात है। अब कल ईद उल अज़हा है तो बकरीद है कल, तो बकरीद पर किस तरह से करना है क्या करना है तो उसके बारे में सबसे अहम बात तो ये है कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है तो तमाम लोग, तमाम मुसलमान उसका पालन करें, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें और भीड़ भाड़ इकट्ठे ना करें, भीड़ भाड़ ना लगाएं। इस बार ईद और बकरीद मुस्लिम समुदाय के बड़े त्योहार माने जाते हैं। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इन तमाम त्योहारों को, इन दोनों त्योहारों को
आपसी भाईचारे के साथ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। पिछली बार ही परिस्थिति अलग थी, हालात अलग थे, क्योंकि कोरोना महामारी ने तमाम चीज़ों को प्रभावित किया है, चाहे वो त्यौहार हो या फिर व्यापार हो, तमाम चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं। बकरीद की क्या तैयारी है और किस तरह लोग इस बार बकरीद को किस तरह मनाएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। बकरीद को लेकर किस तरह की तैयारी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर अली सलमानी है। नासिर अली सलमानी, बकरीद कल है जी, और किस तरह मनाने की तैयारी है और किस तरह कल मनाएंगे? देखिए, जो शासन और प्रशासन का आदेश आया है और हमारे उलमा इकराम ने भी कहा है कि खुले में बकरीद ना की जाए, और नमाज का जो मामला है वो घरों में अदा करें, 5 या 4 आदमी मस्जिद में नमाज अदा करें, ईदगाह में ना जाए, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि COVID-19 ने देश की स्थिति को बहुत ख़राब कर दिया है। इसे लेकर हमारे गाँव में सभी लोग जागरूक भी हैं और खुली बैठक प्रशासन की तरफ से भी हुई है, और उसमें कहा गया है कि पर्दे से कुर्बानी की जाए। इस बार कहाँ नमाज अदा कहाँ करेंगे? इस बार तो जैसे पिछले साल की तरह हुआ है, वही आप अपने घरों में 5-5, 7-7 आदमी नमाज अदा करेंगे, और ईदगाह में नमाज उलमा इकराम ने भी मना किया है। हमारे यहाँ सरकारी कुछ आदमी आए थे और सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ त्यौहार मनाया जाएगा इंशाल्लाह, और यहाँ सभी हर साल सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से अपने त्यौहार मनाते हैं। आप मौलवी हैं और धर्म गुरु भी हैं, एक आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों में रहकर नमाज अदा करें, आपसी भाईचारे के साथ ईद बकरीद को मनाएं, क्या इस तरह के कोशिशें की जा रही है? जी जी, हमने अपने बयान में ये बात वाज़े की है कि सभी अपने घरों पर त्यौहार मनाएं और नमाज भी अपने घरों पर ही अदा करें। देखिए, ये थे हमारे साथ मौलवी साहब हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन का पालन होगा और पूरी तरह से जो त्यौहार है उसको तमाम कायदे कानूनों के दायरे में रहकर मनाया जाएगा। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहकर नमाज पढ़ें, तमाम कायदे कानूनों का पालन करें, ताकि जो कोरोना महामारी है इसको मात दी जा सके और वहीं लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं समाज में लगता है कि समाज जागरूक है और कोरोना को मात देना चाहता है। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हर खबर से होगा हमारा सीधा सरोकार।